I'm the law about to be out of the movie, mate. So I'm already out to be gentlemen, agreed? I'm a darling. From Sailor, name me that. You know me that from Sailor? Yeah, man. उसकी कीमत है तो वह भी कम हो जाती। हमारे देश के भ्रष्टाचारियों को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आजाद आवाजों को कुचल दिया है। लेकिन आजाद आवाजें कैद नहीं होती हैं। यह हिंदुस्तान की आवाज, हिंदुस्तान में कहीं से कहीं पे हिंदुस्तान। नमस्कार, आपका स्वागत है द खबरदार न्यूज में। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जबलपुर से सागर और भोपाल का रास्ता कैसा है। रास्ते में हम राहतगढ़, विदिशा, कुरवाई, इन सब क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे और आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि रास्ता कैसा है, हमने क्या क्या चीजें देखी, महत्वपूर्ण चीजें क्या देखी। तो बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तो ये जिस जगह पर हम बैठे हैं, इन भैया से जानते नहीं जाने के बारे वो क्या विशेषता है इस जगह की, किस इलाके में आता है, कौन सी तहसील लगती है। अच्छा, पंचायत तहसील जिला जगह ही नहीं आता। हम दबाव पहुंच चुके हैं। ये तो पूरा का पूरा जंगल इलाका है। इस गांव की आबादी लगभग कितनी होगी आपके बगीचे? घर का मतलब नहीं है भाई, बारह घर कितने गाँव रखते हैं इस पंचायत में? चार गाँव। चार गाँव में कितनी आबादी होगी? नहीं आए, 1-2 हजार लोग होंगे। आपके गांव में सबको शौचालय मिल चुका है? खुले में शौच से मुक्त पैदा हुआ है क्या? और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबको मिलेगा? जितने भी गरीब है सबको नहीं, सबको नहीं मिलेगी, कुछ लोगों को मिली है। तो तुम्हारे सर अच्छा से कम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। तो ये बताइए कि जैसे हम तो हर जगह भ्रमण करते हैं और 99% जगहों में ऐसा है कि शौचालय योजना हो गई, भी आते प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आंगनबाड़ी हो गई, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके यहाँ क्या फंडी सर? सर हमारे यहाँ शौचालय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला शौचालय? नहीं, गाँव वाले कभी बोले सरपंच वगैरह से बोले सरपंच वगैरह के अभी वो कोटा नहीं आया। कोटा नहीं आया शौचालय का, तो ऐसा है कि उसके लिए कोटा की जरूरत ही नहीं है। जिसके घर में शौचालय नहीं बना है सबको शौचालय मिले। आंगनबाड़ी सहायिका या अध्यापिका जो आती है कि नहीं आती है? आंगनबाड़ी तो बढ़िया अपने गाँव की है। आंगनबाड़ी गाँव की ही होती है, सहायिका भी गाँव है ना। तो ये बताइए कि आपके गाँव में शौचालय किसी को नहीं मिला? अभी तो किसी को किसी को नहीं मिला है। लेकिन आपके प्रधानमंत्री तो बोलते हैं, हाँ वे तो बोलते हैं कि भारत देश खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। हाँ, तो शौचालय अगर आपको मिला नहीं तो भारत देश खुले में शौच से मुक्त कैसे हुआ? अभी भी बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बाहर जाते हैं तो खुले में जी नहीं, जब है नहीं हुए। अच्छा, घर में लैट्रीन वगैरह कुछ भी ना पहना है क्या? ना अच्छा, ये फीचर्स तो टीचर है इस रंग में पर वो मैं अभी पढ़ाई लिखाई की है ना, आठवीं तक, आठवीं तक। शिक्षा व्यवस्था यहाँ कैसी है? कौन है शिक्षा हमारे गाँव में? तो है स्कूल पढ़ाई बढ़िया से होती है, सरकारी शिक्षक अच्छे से आते हैं। चलिए, कम से कम एक चीज तो आपके गांव में अच्छी है ना? हाँ, पढ़ाई अच्छी हुई, जैसे शौचालय योजना हो गया, आवास योजना हो गया। तो उसमें क्या ऐसा हो आपके गांव में कि
सरपंच ने उनको दे दिया मकान जिनको जरूरत नहीं थी, या जो थोड़े से कम गरीब थे, और जो उनसे ज्यादा गरीब है उनको अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला, ऐसा होता है। अभी जो गरीब है ज्यादा ज्यादा उनको आवास नहीं मिल रही। अच्छा, कितने किलोमीटर दूरी पर है जबलपुर? कहीं पे भी चलिए, फिर भी आपका जो काम होता होगा जिले से संबंधित उसके लिए तो सब तारीफ बोलिए। दमोह जाते हैं कि जबलपुर जाते हैं? दमोह भी चले जा सर, जबलपुर भी चल। सस्ता कौन सा पड़ता है? सस्ता का तो ये नहीं समझता। फिर सामान की कीमत की बात करेंगे। अच्छा, दूध आप दूध बेचते हैं? हाँ। अच्छा, ये इलाका मैंने सुना कि दूध के लिए बहुत प्रसिद्ध है इलाका। हाँ, है ना। दमोह जिला। कितनी गाय है आपकी? गाय नहीं है, दो भैंस है। अच्छा, भैंस है। चलिए ठीक है। क्या रेट चल रहा है दूध का? यहाँ तो सस्ता है ना। वेल सब 30 रुपए लीटर। रन बावन तिरवन ज्यादा। अच्छा, 56 रुपए है। काफी सस्ता यहाँ पे दूध है, किसानों का दोहन हो रहा है। अगर आप यहीं से 50 किलोमीटर जबलपुर जाएंगे तो दूध का रेट है 60 रुपए, मतलब जस्ट डबल हो रहा है। किसानों का जहाँ भी जो चीज पैदा होती है उसका भाव कम हो ही जाता है। अनाज में ले लो या जूस में ले लो, सब्जियों में लो, जब किसान के पास पैदा होगा उसकी कीमत ऑटोमेटिक कम हो जाती है। और कि हम किसानों के ही पैसे, किसानों के बहुत बड़े अंशहिता है, लेकिन जो भी किसान के पैदा होगा जो तत्काल जो है औने पौने दाम में बिकेगा, और वही चीज जाके डबल रेट में बिकेगी 50 किलो। ये तो धंधा वालों के लिए है, वो यहाँ से लिए वहाँ 4 गुना दिए। किसान सस्ते में बेचते हैं, फिर जो मध्यस्थ होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, उनके बाद फिर व्यापारी तक पहुँचते बहुत महंगा। यही अपना दूध तो जबलपुर जाता है, और साथ कीमत यही दमोह भी जाता है। यही थी यहाँ हमारे यहाँ भी जाना, तब लोग कॉन्वर्सेशन। और क्या विशेषता है आपके तेंदू खेड़ा की? यहाँ बनोपज क्षेत्र है, तेंदू के पत्तों का जो व्यापार किया जाता है, बीड़िया बनाई होता है। आपके गाँव में भी क्या बीड़ी उद्योग है? हाँ, बनाते हैं और वहाँ सब लोग बनाते हैं। अच्छा, तो मजदूरी करते हैं या फिर जो तो खुद के लिए बनाते हैं? नहीं भी खुद के लिए अपन बेचते हैं कि ना देते। कहाँ कहाँ बेचते हैं? कि अपन खुद आते हैं, खुद आते अंदर खुद आते। वो जैसे एक ग्रीन था वो जो वो था मान के चले कि 1000 बेड़ी 1000 से 1200 रुपए में बिकती, और यहाँ पे 150 रुपए से 120 से 130 रुपए की करीब यहाँ पर। 1000 बेड़े बनाने में कितना वक्त लगता होगा एक मजदूर को? अगर आपको पता हो तो बताएं। चार घंटे में 1000 बेड़िया। कहाँ है आपका गांव का जहाँ हम बीड़ी बनते हुए देख सकते हैं? 2 घंटे। तो ये तेंदू खेड़ा की बगीचा गांव की हमने थोड़ी बहुत चर्चा की और यहाँ के लोगों के बारे में जानने की कोशिश की। इस सफर में बने रहिए हमारे साथ। हम और किसी गाँव की और किसी व्यक्ति की समस्याओं को लेकर सही को लेकर चर्चा करते रहे। अरे नहीं, एक चीज मैं और बोलना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे दर्शक लोग अब तक देख चुके होंगे कि हम कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करने के लिए कोशिश करते हैं, उनमें से शौचालय और आवास योजना, ये दो योजनाएँ ऐसी हैं जो सीधे गरीबों से जुड़ी हुई है। और हम यह जानने के लिए पूछते हैं कि क्या वाकई में सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है कि नहीं।
तो जैसे आप देख रहे हैं तेंदुखेड़ा का यह जो बगीचा नामक गांव है, यहाँ पे पूरे का पूरा गांव खुले में शौच के लिए जाता है और सरकारी शौचालय एक भी नहीं मिला है लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मुश्किल से 18 से 20 व्यक्तियों को मिला है और उसमें भी लोगों का आरोप है कि उनको मिला है जो पात्र नहीं है, जो वाकई में गरीब है, जो खुद से अपना मकान नहीं बना सकते, जिनकी झोपड़ी में रहते हैं, उनको आज भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, जो बेहद ही चिंतनीय है। और एक बार कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को अपने बगल में झांक के देखना चाहिए कि जो वो दावे करती हैं कि खुले में शौच से भारत से मुक्त हो गया है, तो क्या वाकई में भारत देश खुले में शौच से मुक्त हो गया? और अगर मुक्त हो गया तो क्या ये लोग भारत देश में नहीं आते? अगर ये भारत देश में नहीं आते तो कौन से देश में आते हैं? इन सरकारों को यह भी बताना चाहिए। तो अपनी इस जर्नी में हम अब निकलने वाले हैं, मिलेंगे कहीं किसी और व्यक्तियों से और इसी और गाँव में जाएंगे और इनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे। एक चीज़ तो तय है कि हम यदि किसी गांव में जाएंगे तो वहां पे हम डेफिनेटली लोगों से पूछेंगे कि आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आपका देश, आपका घर, या आप खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है, जो पात्र है या जो अपात्र है। अब हमारी रिपोर्टिंग के बाद एक तरह से देखा जाए तो हम सरकार की मदद कर रहे हैं, हकीकत को दिखा रहे हैं, ताकि सरकारें जिस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं, जिस तरह से योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, पात्र लोगों को नहीं मिल रहा है, उसमें किस तरह से आप मॉनिटर करेंगे आगे चल के, किस तरह से कंट्रोल करेंगे कि जो गरीबों के लिए पैसा हम टैक्स पेयर दे रहे हैं वो गरीबों तक पहुंच रहा है कि किसी और को मिल रहा है, ये जिम्मेदारी सरकार की है उसको कंट्रोल करना और ये जो लीकेज है उसको ख़त्म करना। तो बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ, हम मिलेंगे आपको अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द खबरदार न्यूज़। बीते दिनों मोहनिया में एक बस हादसा भी हुआ था। हाँ, उन्हीं का पब्लिक चूतिया है जो उनके पीछे दौड़े, हमार जाते थे बुकरी के बार नहीं दार था, नहीं नहीं चाहे अपन दाल मूड पटक डाल रहे। शिवराज सिंह चौहान कैसे? वह बहुत रद्दी आदमी है। अभी तक में सबसे अच्छा कौन सा लगा?